जिस उम्र में बच्चे खेल कूद और नए नए महंगे शौकों की ओर ध्यान देते हैं, उस उम्र में बच्चे अपने शौक छोड़कर दूसरों की मदद कर रहे हैं। तस्वीरों में जो आप ये छात्र देख रहे हैं, ये महज 9वीं से 12वीं कक्षा तक के छात्र हैं जो अपनी खुशियों को कहीं ना कहीं दबाकर दूसरों की खुशियों में शामिल होने पर लगे हैं। जो लोग अपनी ज़रूरतें नहीं पूरी कर पाते, गरीब लोग हैं, गरीब बच्चे हैं, ये उनकी ज़रूरतें पूरी कर रहे हैं और उनको खुशी दे रहे हैं। आइए हम बच्चों से जान लेते हैं कैसे इनके दिमाग में ये आइडिया आया और कब से इन्होंने ये शुरुआत की। बताइए बेटा, कब से आपने इस संस्था की शुरुआत की और दिमाग में आइडिया कैसे आया था? हमने ये 31st से स्टार्ट करा था। अभी ये हमारे सिर्फ 2 महीने ही हुए हैं इस प्रोग्राम को। अभी हमारे ये दिमाग में ये शुरू करने के लिए आया था क्योंकि हम हर रोज़ देखते हैं कोई ना कोई हमेशा बच्चा होता है जिसको हमारे तरह प्रिविलेजेस नहीं है, वो हमारे तरह इतना खुश नहीं है। तो हमने सोचा कि हमारे पास इतनी सारी सुविधाएं हैं तो हम क्या उन्हें भी उनकी भी मदद कर सकते हैं। कैसे मतलब बच्चों को आप देखते थे जिनके पास सुविधाएँ नहीं थी या वो खुश नहीं रह पाते थे, किन को देख के आपने इस कदम उठाने की सोची? हमेशा कभी ना कभी अगर हम स्कूल जाते थे तो हमें रास्ते में दिख जाते थे, घर के पास दिखते हैं, कभी मंदिरों को बाहर दिखते हैं, ऐसे हमेशा बच्चे तो दिखते ही रहते हैं। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो और दिमाग में आपके भी कैसे ये आइडिया है? मैं 11th क्लास में पढ़ती हूँ और मेरे दिमाग में ऐसे आया, बहुत सारे ज़रूरतमंद लोग होते हैं जिनके पास खाने तक का पैसा नहीं होता, हमें उनको देख के लगा कि हमें मदद करनी चाहिए, तो इसलिए हमने अपना आसरा फाउंडेशन स्टार्ट किया है। किसने बताया कि आपको ऐसे संस्था शुरू करनी चाहिए और इस तरह से लोगों की मदद करनी चाहिए? हम अपने बड़ों से इंस्पायर होके ये आसरा फाउंडेशन स्टार्ट की है। हम सब 9वीं से 12वीं तक के बच्चे ही हैं सारे। आपका क्या नाम है और पैसे कहाँ से आते हैं संस्था के अंदर? मेरा नाम अनवी शिंगला है और मैं आसरा फाउंडेशन से हूँ। पैसे तो जब अच्छा काम करना चाहते हैं तो अपने आप ही सब डोनेशंस दे देते हैं, जब हम रिकॉग्निशन होती है अच्छे प्रोजेक्ट्स के थ्रू। नहीं तो वैसे हम सभी बच्चे 40 मेंबर्स हो चुके हैं, हमने 3-4 जनों ने मिलकर स्टार्ट किया था और अब हम 40 जने हो चुके हैं 2 महीनों में। हम सब फंडिंग सारे जने हम 500 रुपये पर महीना इकट्ठा करके, सारा मनी इकट्ठा करके हम अपनी लेवल पर जितना अच्छा कर सकें जितना कर सकें उतना करते हैं। पैसे घर वाले से लेते हैं या अपनी पॉकेट मनी से बचाते हैं? पॉकेट मनी से। हम अगर किसी को थोड़ा प्रॉब्लम है तो पेरेंट्स से, नहीं तो अदरवाइज हम सब अपनी पॉकेट मनी से 500 रुपीज़ कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। फिर अगर कोई एक्स्ट्रा देना चाहे तो वो ज़रूर, जैसे किसी का बर्थडे है तो वो एक्स्ट्रा दे देते हैं। जैसे खुशी है हमारे साथ, उसका बर्थडे है तो शी वॉज विलिंग, तो उसने थोड़ा एक्स्ट्रा फंडिंग करी। किसी के पेरेंट्स, कोई भी दादा दादी जिनका जिनको अच्छा लगता है या मन करता है, वो एक्स्ट्रा फंडिंग भी दे देते हैं हमें। इस उम्र में तो बच्चे अपने घर वालों से पैसे मांगते हैं, हमारी और ज़्यादा पैसे दो, हमें नई नई चीज़ें खरीदनी है या ये शौक पूरे करने के, लेकिन उस शौक में आप अपनी पॉकेट मनी से पैसे बचा रहे हैं। अगर सभी ये सोच रखने लग गए कि सब स्वार्थी हो गए तो दुनिया आगे कैसे चलेगी? इंसानियत नाम की चीज़ होती है। तो जैसे हम लोगों को, हमने अब बचपन से ही अपने पेरेंट्स को देखा है, एनजीओ के साथ जुड़े हुए हैं, रोज़ कुछ ना कुछ सब लोग न्यूज़पेपर में भी देखते हैं, यूट्यूब पर लोग अच्छे काम कर रहे होते, तो हमारा भी मन था कि करें। अब जब एज आई, हम पढ़ाई के साथ मैनेज कर सकते थे तो हमने आसरा फाउंडेशन का इनिशिएटिव लिया। बर्थडे पर लोग महंगे होटलों में जाते हैं सेलिब्रेशन करने के लिए, आज आप यहाँ आए हो तो कैसा लगा और क्या आपका नाम? मेरा नाम है खुशी मित्तल, मैं आसरा फाउंडेशन से हूँ और मेरे बर्थडे पे कहीं बड़ी बड़ी पार्टीज़ नहीं करनी थी, मुझे इन छोटे छोटे बच्चों के साथ ये स्माइल्स, जो इतनी प्यारी प्यारी जो ये स्माइल्स करते हैं, जो हम इनकी मदद करते हैं, मुझे वो कलेक्ट करनी थी कि मेरे को जितनी ब्लेसिंग्स हो सके, इनसे ज़्यादा ब्लेसिंग्स कोई शायद नहीं दे सकता, और जो खुशी वहाँ जाके नहीं मिल रही मुझे यहाँ इससे ज़्यादा मिल रही है। तभी आपने यहाँ आने का मन बनाया? हाँ, मैंने तभी यहाँ आने का मन बनाया कि मैं इन बच्चों के साथ केक कट करूँगी, इन बच्चों के साथ सेलिब्रेट करूँगी, इनके चेहरों पे खुशी लाने का एक मौका है थोड़ा सा। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? मैं 11th। तो सभी छात्र ही हैं ये, कोई सभी 9 से 12 तक के छात्र हैं और दूसरे भी बच्चे हैं, इनसे भी जान लेते हैं इनके दिमाग में भी आइडिया कैसे है, क्योंकि 4 बच्चों से इसकी शुरुआत हुई थी, अब 40 बच्चे जो हैं इस संस्था में हो चुके हैं। बताइए कैसे आया था आपके दिमाग में भी आइडिया? हमारे दिमाग में पेरेंट्स को देख के आया और छोटे बच्चों को देख के भी आया। हम जैसे कहीं पे भी जाते हैं वहाँ पे छोटे बच्चे होते ही हैं, लाइक हमें उनकी खुशी देख के बहुत अच्छा लगता है। लगता नहीं आप अपनी पॉकेट मनी से पैसे खर्च करते हो, कहीं ना कहीं आपके खर्च नहीं पूरे हो पाते होंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे हमारे पेरेंट्स हमारी फेस पे छोटी सी स्माइल के लिए इतना कुछ करते हैं, हम भी इन छोटे छोटे बच्चों के फेस पे स्माइल लाने के लिए इस आज हमने MGR स्कूल में रिफ़्रेशमेंट्स, इनके बहुत सारे प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करते रहते हैं। लाइक कि हमारा 5th प्रोजेक्ट है, इससे पहले हमने ब्लड डोनेशन कैंप, वाटरमेलन डिस्ट्रीब्यूशन, कसोरा डिस्ट्रीब्यूशन, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऑर्गेनाइज करे थे और हमें बहुत अच्छा लगता है। लाइक छोटे छोटे बच्चे जब अपनी क्यूट सी स्माइल से हमें थैंक यू बोलते।
पॉकेट मनी मिलती है तो बच्चे और क्या बोलते हैं घर वालों को, और ज़्यादा हमें पैसे चाहिए क्योंकि नई नई चीज़ें खरीदनी होती हैं, नए नए खर्चे होते हैं, लेकिन आप पॉकेट मनी से पैसे निकाल कर यहाँ कैसे? देखिए हमें तो काफ़ी और लोग भी पैसे दे देते हैं, हम किसी के घर जाएं, हमें बर्थडेज पे भी हमें और मिलते रहते हैं पैसे, बट अगर हम अपनी फैसिलिटीज़ में से कुछ पार्ट इनको प्रोवाइड कर सके तो हमें भी खुशी मिलती है। तो कहीं ना कहीं अपने साथ दूसरों की खुशी के लिए। जी ये बिल्कुल सही है। देख हमारे पास कितनी फैसिलिटीज़ हैं, हम सब कुछ नहीं प्रोवाइड कर सकते पर हम उसका कुछ पार्ट इनको प्रोवाइड कर सकते हैं तो वो हम करना चाहेंगे। और जो आपकी ही उम्र में बच्चे शौक पूरे करने के लिए घर वालों से ज़्यादा पैसे मांगते हैं या आवारा पैसे खर्च करते हैं, उनको क्या संदेश देना चाहोगी? मैं ये देना चाहूँगी अपनी विशेस पूरी करो, लेकिन अगर उसका कुछ पार्ट भी, छोटा सा पार्ट भी अगर आप कंट्रीब्यूट कर सको तो आप ज़रूर करो, उससे आपको ही आगे फ्लरिशमेंट मिलेगी, ब्लेसिंग्स मिलेंगी इन्हीं बच्चों की। आपने कैसे सोचा कि इन्हीं बच्चों के बीच में जाना चाहिए और इनकी मदद करनी चाहिए? क्योंकि देखो सबकी लाइफ एक जैसी नहीं होती है, हम एक अच्छी हेल्थी लाइफ जी रहे बट ये बच्चे ऐसे नहीं है नहीं जी पा रहे क्योंकि लाइक इनके पेरेंट्स कुछ ना कुछ फैमिली इश्यूज वगैरह होता है, मनी को लेके इश्यू होता है। तो फिर हम कहते हैं कि जैसे पॉकेट मनी का ही आप कह रहे हो, हमें पॉकेट मनी मिलती है, हमें आधी लाइक सेविंग्स अपने लिए करनी चाहिए और आधी इन बच्चों को, क्योंकि हर किसी की लाइफ एक जैसी नहीं है, सबको अलग अलग लाइफ मिलती है और हमें जैसे हम अच्छे घर से हैं वो इतने नहीं है, तो हमें उन सबकी हेल्प करनी चाहिए और आसरा का यही मोटो है दैट लिफ्टिंग बाय अदर्स। आसरा फाउंडेशन के ये बच्चे थे, महज 4 बच्चों ने इस संस्था को जो है शुरू किया था, अब 40 बच्चे इस संस्था के अंदर हो चुके हैं। ये सभी बच्चे अपनी पॉकेट मनी से पैसा बचाते हैं और जो गरीब बच्चे हैं उन्हें अच्छे संसाधन, अच्छी सुविधाएं उन्हें नहीं मिल पाती उन्हें प्रोवाइड करते हैं, और ऐसे लोगों से ही सीखकर और दूसरे बच्चों को भी सीख लेनी चाहिए और गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए। पानीपत से सुमित भारद्वाज, न्यूज़ 18।